हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये जो व्लॉग है ये है भाई दूज वाले दिन का। तो मॉर्निंग का टाइम है और बस मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है। मतलब हमेशा प्लेन वाली पूरी बनाती हूँ, तो आज मैंने नमकीन पूरियाँ बनाई हैं। और ये मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्ज़ी। जो नए वाले आलू आने लगे हैं ना मार्केट में, वही मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है। अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। अभी तो बस यहाँ पे सब्ज़ी जो बन चुकी है, यहाँ पे मैंने इसमें गरम मसाला और धनिया पत्ती ऐड की है और आलू को थोड़ा सा मैश कर रही हूँ मैं। इससे ना घुटी हुई सब्ज़ी और पूरी के साथ में बहुत अच्छी लगती है। तो बस आज का हमारा सिंपल सा लंच रहेगा। और अभी मुझे पूजा भी करनी है। मंदिर की पूजा तो हो गई है, बस मुझे जो दूज वाली पूजा होती है ना, भाई दूज वाली, वही पूजा करनी है। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि पहले मैं पूरियां बना लेती हूँ भोग के लिए। और मैंने साथ में ही जो आप देख सकते हैं हवन होने के लिए रख दिया है, मतलब गोबर का उपला रख दिया है गैस पे। इसको पहले थोड़ा सा मतलब कर लेते हैं गैस पे, जब ये अच्छे से जलने लग जाता है फिर हम इससे हवन करते हैं। तो यहाँ पे पूरियां मैं हैं एक एक करके फ्राई कर रही हूँ और मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि नमकीन पूरी है इसलिए। तो इनका आज मन था कि मैं नमकीन पूरी बनाऊँ, इनसे मैंने पूछ लिया था। इसमें बेसन, अजवाइन, सौंफ, कसूरी मेथी, लाल मिर्च, मोयन, मतलब नमक वगैरह डाल के मैंने ये पूरी बनाई है। बहुत टेस्टी बनती है। गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। तो आज है भाई दूज और आज मंडे है, तो आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ पे भाई दूज पे क्या होता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत जल्दी जल्दी घर के सारे काम किए मैंने, वही वाली कुर्ती पहनी है जो मैंने करवा चौथ वाले दिन मॉर्निंग में पहनी थी ना, वही पहनी है। और ऊपर से दुपट्टा ले लिया है क्योंकि मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने थाली लगा ली है, पूड़ियाँ बना ली हैं, मिठाई रखी है। वैसे खीर भी बनती है लेकिन खीर मैंने इसलिए नहीं बनाया कि बहुत मीठा रखा हुआ है और मीठा किसी को नहीं खाना। मूंग दाल का हलवा भी रखा है लेकिन उसका भोग नहीं लगाऊंगी क्योंकि दिवाली वाले दिन मैंने लगाया था। तो मैंने मीठे में बर्फी रख ली है, पूड़ियाँ बनाई हैं कसूरी मेथी वगैरह डाल करके, एंड यहाँ पे मैंने रोली चावल वगैरह ये रख लिए हैं, माचिस है। ये हमारे यहाँ पे भाई दूज जो मैंने बनाए हुए हैं ना उस पर लगाई जाती है, कॉटन की है ये। एंड यहाँ पे मैंने कपूर, दीपक, घी का बस ये रेडी कर लिया है। थोड़ा सा घी रख लिया है क्योंकि हवन करूँगी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं क्योंकि हवन जो है वो हो गया है। पूजा करती हूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग लंच करेंगे। और पता है कल ना दिल्ली में बारिश हो गई थी, आज भी मौसम बिल्कुल ऐसा है बारिश वाला। आपको दिखाती हूँ, ये देखो देखो ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट बारिश आ जाएगी। मतलब ठंडा मौसम हो गया है, बहुत सारे मैंने कपड़े वॉश किए, भगवान बस वो कपड़े सूख जाएं। बारिश ना इसलिए हो रही है क्योंकि सर्दी पड़ेगी ना इसलिए। तो मुझे ना अपने वूलन वाले कपड़े वगैरह भी निकालने हैं, देखती हूँ आज टाइम मिलता है तो वो भी निकाल लूंगी। और मेरी चप्पल भी रखी है विंटर वाली, वो भी निकालूंगी क्योंकि अब जो फ्लोर है ना वो ठंडा ठंडा लगने लगा है। तो चलिए पूजा, तो चलिए गाइस बात नहीं करते हैं, पूजा करते हैं। चलो चलो चलो। तो किचन अंदर बहुत मैसी है, यहाँ पे सारी दिवाली की मिठाई रखी हुई है कि मीठा देख देख के ना बस हालत खराब है मिठाई देख देख के। फैन ऑफ कर दो थोड़ा सा, ये वो ठंडा हो रहा है, फिर दीपक भी जलाऊंगी। तो ये देखिए मैंने ना ये बनाई है, मैं ना हर साल इन्हीं की पूजा करती हूँ और गोपाल जी को भी तिलक करूंगी क्योंकि मैं उनको राखी भी बांधती हूँ। तो आज दूज है तो उनको भी टीका करना है मुझे और इनको भी करना है। तो चलिए मैं अपनी पूजा करती हूँ, आप लोग देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। तो ये जो मैंने बनाई है ना, मैंने इसको पेपर पे बनाया है। वैसे इसको वॉल पर ही बनाते हैं लेकिन वॉल ख़राब हो जाएगी इसलिए मैंने पेपर पे बना के इसको चिपका दिया है। और ये जो मैंने बनाई है ना, इनको ग्योरी से बनाया जाता है, जो ग्योरी होती है ना लाल रंग की, उससे बनाते हैं जिससे वो नीचे लिपाई पुताई होती है वो। लेकिन वो नहीं थी मेरे पास इसलिए मैंने रेड कलर का स्केच पेन ले लिया था जिससे मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। और इसी तरह से मैंने देखा है मम्मी को बनाते हुए तो मैंने भी वैसे ही बनाया है। और मेरे दो भाई हैं इसलिए मैंने दो दो कॉटन की ये बना करके चंदन से, और इसको मिठाई से या फिर खीर बनाते हैं खीर से मैंने चिपका दिया है तिलक वगैरह करने के बाद। यहाँ मैं ठाकुर जी का भी तिलक कर रही हूँ, उनके भोग के लिए मैंने सब्जी पूरी मिठाई और उनका जल तुलसी पत्ता डाल के रखा हुआ है। और अभी मैं दोनों की आरती कर दूँगी और उसके बाद मैं हवन करूँगी और गाय के लिए भी मैं पूरी निकाल दूँगी। तो बस यहाँ पे कपूर लिया है, कपूर शुद्ध होता है इसलिए कपूर जलाना सही रहता है घर में। तो मैंने कपूर जला करके हवन कर रही हूँ। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप हवन करने के लिए कौन सा मंत्र पढ़ती हो,
तो भोग लगाती हूँ तब तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ, और जब मैं हवन करती हूँ हवन सामग्री वगैरह से, तो मैं गायत्री मंत्र पढ़ करके हवन करती हूँ, और वो मुझे अच्छा लगता है पढ़ना और करना भी उसी तरह से। तो लास्ट में बस यहाँ पे जल जो है वो चढ़ा दिया है और मेरी पूजा हो गई है। इसी तरह से पूजा करती हूँ मैं भाई दूज की हर साल, चाहे दिवाली की हो या होली की हो। सो गाइज पूजा हो गई, और आज का मौसम ना बहुत ज़्यादा क्लाउडी है। अब तो ना वूलन वाले जो कपड़े हैं वो निकालने ही पड़ेंगे, अब सर्दी बढ़ेगी। और कल रात को भी बारिश हुई थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। अच्छा कल ना वो थी गोवर्धन पूजा, तो कल मैंने आपके साथ ना होम टूर शेयर किया था, और कल गोवर्धन जी की पूजा होती है जो कि घर पे होती है, यहाँ पे मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा कोई काम नहीं है तो आपके साथ होम टूर शेयर कर देती हूँ, इसलिए मैंने कल वो किया था। कल कढ़ी चावल बनते हैं, कल कढ़ी चावल बनाए थे थोड़े से, और आज दौज है तो आज इस तरह से पूजा होती है। मतलब मेरे ससुराल में मायके में बाहर गोबर से, गाय के गोबर से दोजे बनाई जाती है, दोजे बोलते हैं उनको हमारे यहाँ पे। वहाँ पे मैं होती हूँ तो फिर वहाँ पे हम उनकी पूजा करते हैं, और यहाँ पे नहीं है तो मैं तो यहाँ पे नहीं बनाती हूँ वो, क्योंकि वो मैन घर में ही बनाई जाती है हमारे यहाँ पे, तो मैं बस वही पूजा कर लेती हूँ इस तरह से बना कर के। तो हर साल करती हूँ, और अभी हम लोगों ने लंच भी नहीं किया है, तो आज मैंने सिर्फ सिंपल सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है और पूरी बनाई है, तो क्योंकि मीठा बहुत सारा रखा हुआ है, भुजिया रखी है, पपड़ी रखी है, मूंग दाल का हलवा रखा है, बहुत सारे मिठाई रखी है और भी मिठाइयाँ रखी हैं, तो फिर मैंने मीठा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं तो कम ही खाती हूँ, ये भी कम खा रहे हैं मिठाई। इस टाइम पर क्या होता है ना, फेस्टिवल टाइम पर बहुत मीठा खाने में आ जाता है। तो बस अभी हम लोग लंच करेंगे, पूड़ियाँ मुझे फ्राई करनी है। ये देखो मैंने ना कितने सारे कपड़े वॉश किए, वहाँ तक सारे में कपड़े डले, और देखो मेरी रंगोली भी अभी ना बनी हुई है, मैंने नहीं हटाई, अच्छे से बनी थी तो फिर मैंने नहीं हटाया उसको, मैंने सोचा कि 2-3 दिन तक जब तक फेस्टिवल चल रहा है तब तक बनी रहेगी तो और अच्छी बात है, तो बनी है अभी तो। और आप लोगों के यहाँ क्या होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, मतलब दिवाली तो चली गई लेकिन फिर भी बहुत तैयारियाँ करनी है। किस चीज़ की करनी है वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि किस चीज़ की मैं तैयारियाँ कर रही हूँ, फिर से बिज़ी होने वाली हूँ फिर से। और ये अपने कपड़ों पे प्रेस कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा टाइम मिल गया था, बोल रहे कि चलो मेरे बहुत सारे कपड़े हैं तो मैं प्रेस कर लेता हूँ, तो इनके सारे कपड़े हैं ना, है ना, आज ड्यूटी लग गई है ड्यूटी खत्म भी हो गई, हाँ लास्ट बचा है, वो बहुत सारे कपड़े कर लिए। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने कपड़े किए हैं इन्होंने, ये देखो ये सारे कपड़े इन्होंने प्रेस कर लिए हैं। तो अभी मुझे कुछ पार्सल रिसीव हुए हैं जो कि मैं आपको आने वाले ब्लॉग में ही बताऊंगी, अभी तो नहीं बता रही हूँ, कल भी हुआ था, आज भी हुआ है और अभी आगे भी होंगे। तो अभी जो है चीजें चल रही हैं और किस चीज़ की तैयारियां चल रही हैं वो भी मैं आपको आने वाले व्लॉग में बताऊंगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, पहले हम लोग लंच कर लेते हैं, लगा लूँ फटाफट से, मैं इनका ही वेट कर रही थी, पूजा तो मैंने कर ली है कि ये फ्री हो जाए फिर मैं गरम गरम पूरियां फ्राई कर दूंगी तो हम लोग लंच कर लेंगे। चलो गाइस अभी तो कपड़े और भी मशीन में रखे हुए हैं, देखो और कपड़े रखे जो मुझे फैलाने हैं, मैं सोच रही हूँ कि बस बारिश ना हो जाए। ये देखो ये इसमें और भी कपड़े हैं ड्रायर में, और अंदर वॉशरूम में भी है क्योंकि कुछ हाथ वाले थे कुछ मशीन वाले थे, तो मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, कपड़ों का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। और मिठाइयाँ, इतनी सारी मिठाइयाँ रखी हैं, ये देखो। और किचन अभी थोड़ा सा मैसी है क्योंकि आपको पता है ना, फ्रूट्स मिठाई वगैरह सब कुछ रखा है, पता है पहले सारा सामान फ्रीज पर रख देती थी मैं, अब यहाँ पर रखा जाता है, मतलब कुछ भी रखने के लिए मिल जाए बस। और ये कितना प्यारा लगता है ना, अच्छा लग रहा है ना। चलो गाइस मिलते हैं आपसे, बाय। तो बस यहाँ पे मैंने लगा लिया है लंच, इन्होंने अपने कपड़ों पे प्रेस कर दी थी, वो सारे कपड़े मैंने जगह पर रख दिए हैं। और मैंने आपके साथ अपने घर का होम टूर शेयर किया था क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे घर दिखाने के लिए, तो मैंने जैसा भी मेरा घर था जैसे मैंने सजाया था वो आपके साथ शेयर किया है, तो बहुत सारे कमेंट आए हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है लोगों को, तो वो मैं आपके साथ आने वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी कि ये सब मैंने क्यों किया हुआ है।
तो व्लॉग से जुड़े रहिएगा और पसंद आए तो एक लाइक कर देना। यहाँ पे सारे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए हैं, सोचा कि चलो काम से फ्री हो जाते हैं तो मैं लंच वगैरह करने के बाद एक साथ में ही बर्तन वगैरह क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में आलस आता है और सर्दी का टाइम है, बहुत जल्दी दिन भी ढल जाता है तो इवनिंग हो जाती है, तो मैं सोचती हूँ कि हाथ ही हाथ सारे के सारे काम कर दो तो सही रहता है। तो बस मैंने पूरी किचन को क्लीन भी कर दिया है, सारे बर्तन भी क्लीन कर दिए हैं और बर्तन क्लीन करने के बाद लास्ट में मैं एक बार सिंक को भी क्लीन कर देती हूँ, वो भी क्लीन रहनी चाहिए, नहीं तो बारीक बारीक जो कीड़े होते हैं ना किचन में वो आने लग जाते हैं, इसलिए मैं सिंक वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन करके हैंड वॉश करके उसके बाद फ्री होकर के फिर अपने आगे के काम जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो स्टार्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तो मॉर्निंग के काम ख़त्म हुए हैं, लंच किया है, अभी तो बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि मेरे वीडियो के काम स्टार्ट होते हैं, घर के काम ख़त्म करने के बाद मुझे वीडियो एडिट करना होता है, बना रही होती हूँ तो उसमें वॉइस ओवर करनी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसलिए, तो ये सारे घर के काम ख़त्म होने के तुरंत बाद ही मैं अपना वीडियो का काम स्टार्ट कर देती हूँ, तो बस वही करने के लिए अभी मैं जा रही हूँ। हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी मैं बना रही हूँ इवनिंग टी और आज पता है गाइस क्या सरप्राइज है आप सभी के लिए, आज मैंने किसी को बुलाया है और दिवाली के नाश्ते पर, क्योंकि हमारे यहाँ पे दिवाली हो जाती है उसके बाद ही सभी को नाश्ते पर इनवाइट करते हैं, तो आज मैंने अपने यूट्यूब फैमिली को बुलाया है दिवाली के नाश्ते पर, जिसकी तैयारी मैं कर चुकी हूँ, अभी आपको दिखाऊंगी। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ इवनिंग टी और देखते हैं कौन कौन आता है दिवाली नाश्ते पर आज हमारे घर पे, और देखते रहिएगा वीडियो को एंड तक, एंजॉय कीजिएगा। और अभी मैं यहाँ पे टी जो है वो रेडी कर रही हूँ, इसमें चाय पत्ती डाल दी है, चीनी डाल दी हूँ, चीनी एक्चुअली उसमें खत्म हो गई है, ये चीनी पाउडर रखा हुआ है मेरे पास तो इसी को खत्म करना है मुझे, तो ये मैं चीनी पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बढ़िया गर्मा गर्म चाय अभी रेडी होने वाली है एंड अदरक भी डाल देती हूँ। तो भाई आज गेस्ट आ रहे हैं घर में, तो ये देखिए मैंने अपनी केटल निकाल दी है और इसको वॉश भी कर दिया है, काफी टाइम से नहीं निकाला था ना इसको मैंने, तो चाय जो है वो बन रही है एंड मैं आपको अभी तैयारी दिखाऊंगी, तैयारी अभी चालू है वहां पे, देखिए अभी दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने आज नाश्ते में रखा हुआ है सबके लिए, तो पहले चाय बना लेते हैं। गाइस मैं सोच रही हूँ कि चाय जब तक बन रही है तब तक मैं आपको पूरी तैयारी दिखा देती हूँ कि मैंने नाश्ते में क्या क्या लगाया है सबके लिए। तो आज मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट कर दी थी, आप सभी को मैंने अपने घर दिवाली के नाश्ते पर बुलाया है, तो सभी लोग आए हैं मुझे पता है, तो चलिए आप सबके लिए मैंने क्या क्या तैयारी की है वो मैं तुरंत आपको दिखा देती हूँ। चाय अभी बनी रही है क्योंकि चाय ठंडी हो जाएगी ना, इसलिए मैं आपको पहले तैयारी दिखा रही हूँ, फिर हम सब लोग मिलकर चाय पियेंगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या तैयारी की है, थोड़ी बहुत इन्होंने भी मेरी हेल्प कर दी थी, चले चलते हैं। तो चलिए चाय मेरी बनी गई है, पहले मैं चाय को केटल में डाल देती हूँ, नहीं तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और केटल में रहेगी तो थोड़ी देर के लिए गर्म रहेगी, तो बस यहाँ पे मेरी चाय जो है वो बनके तैयार हो गई है एंड ये केटल आप सभी को पसंद आती है, मुझे भी बहुत पसंद आती है, काफ़ी टाइम के बाद इसे मैंने बाहर निकाला है आज। तो ये देखिए गाइस ये सारी तैयारी आप सभी के लिए है, चलिए देखते हैं आपके अंजलि दीदी ने क्या क्या बनाया है आप सबके लिए और क्या क्या यहाँ पे सजा के रखा है। तो सबसे पहले तो देखो ये कैंडल लगा दी है, जैसे देखने में अच्छा लग रहा है ना, और तो चलिए ये देखिए यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स कट कर दिए हैं, जिसको जो खाना है वो खा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मिठाई रखी हुई है एंड यहाँ पे ये मैंने मीठी वाली मठरी जो होती है ना शक्कर वो हैं, ये नमकीन वाली मठरी है, अजवाइन वाली, यहाँ बिस्किट हैं दो तरह के एंड ये पापड़ी है बेसन वाली, ये कुछ कुकीज़ रखे हुए हैं आप सभी के लिए, चोकोविल्स डार्क फैंटसी वाले हैं एंड ये है डेरी मिल्क, क्योंकि बच्चे भी मेरे वीडियो देखते हैं तो ये बच्चों के लिए है एंड ये है मावे की गुजिया
और ये है मैंगो वाली चॉकलेट एंड ये है मैंगो वाली बर्फी और ये मनचली बोलते हैं इसको, इसको आप नाश्ते के बाद ले सकते हो। एंड ये है गर्मा गर्म चाय। तो ये देखिए ये तैयारी मैंने की है आप सभी के लिए। सो गाइस आ जाइए आप सभी लोग हमारे घर दिवाली नाश्ते पर और इन्जॉय कीजिए। सो गाइस चाय आ चुकी है और थैंक यू सो मच आप लोग मेरे घर आए हैं दिवाली नाश्ते पर, क्योंकि जो लोग मेरे वीडियो वॉच कर रहे हैं, जो लोग मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो मैं यही समझ रही हूँ कि आज सब लोग मेरे घर पे हो, मेरे साथ हो, हमारे साथ नाश्ते पर हो दिवाली के। तो थैंक यू सो मच आप सब लोग आए और इन्जॉय किया मेरे साथ, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, हर फेस्टिवल में मेरे साथ रहते हो, हर सुख दुख में मेरे साथ रहते हो, तो इतना करना तो बनता ही है। मतलब आप लोगों को बोल दिया मैंने और आप लोग आ गए मेरे वीडियो पर, तो मैं समझूंगी कि आप मेरे घर पर ही बैठे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके से करने के बाद। तो ये देखो मैंने अपने हाथों से गुजिया बनाई है और आपके भैया भी आपको खिलाएंगे, खिलाओ सबको, सब लोग आए हैं भाई हमारे घर। बहुत अच्छी है। आज मेरा मन किया कि मैं आप सभी को जो है नाश्ता इस तरीके से पूरी तैयारी स्पेशली आपके लिए, आपको पता है हम मैं सिर्फ दोनों की बहुत शुभकामनाएं आप सभी को एक बार फिर और एंजॉय कीजिए। तो मैं सिर्फ मतलब हम दोनों के लिए चाय बनाती थी, लेकिन आज मैंने बहुत सारी चाय बनाई, केटल भर के आप सबके लिए बनाई है और स्पेशली तैयारी पूरी आपके आपके लिए। अगर हम दोनों के लिए होती तो बस हम लोग ऐसे पपड़ी मठरी लेकर के खा लेते एक प्लेट में रख करके, लेकिन ये पूरा डेकोरेशन आपके लिए किया है, तो आप समझ सकते हैं। तो आप मेरे पास ही हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा इंडिनी टू अश्वरांजलि को। और अभी मुझे ना पूरे घर में दीपक भी लगाना है और मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, जहां मैं आपके लिए डेली न्यू वीडियो लेकर के आती हूं और आऊंगी आगे भी, तो फॉलो कर लेना, स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगी, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है अभी तक आप लोगों ने, आगे भी ऐसे ही देते रहिएगा, अपना प्यार हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। छोटे छोटे बच्चों का प्यार भी मेरे साथ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो ये डेयरी मिल्क है ना, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए ही है, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे मुझे पता है। और जब भी मैं आप सभी से मिलूंगी तो फिर तो वो बात ही अलग होगी, मिलेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि अभी मतलब आपको पता है कि कोरोना की वजह से मैं ज़्यादा मिल भी नहीं सकती है ना हम लोग एक दूसरे से, इसलिए नहीं तो मैं अभी कहीं ना कहीं, हम लोगों ने पहले प्लानिंग की भी थी है ना, लेकिन इस बीच क्या है ना वो कोरोना वाला चक्कर आ गया था। अब मुझे इसलिए गर्मी लग रही है क्योंकि पूरा घर ना पैक है और बाहर सर्दी है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन अंदर हमारे इतनी ठंड नहीं लगेगी आगे भी, मुझे पता है क्योंकि छोटा घर है, पूरा पैक है। तो चलिए हम लोग चाय पीते हैं और तो गाइज अभी हो गया है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग का टाइम है, घर की क्लीनिंग चल रही थी तो ये सारा सामान रात को फैला करके बैठे थे यहाँ पे, अपना कोई काम कर रहे थे तो बस वही सब मैं समेट के रख रही हूँ, उनकी फाइल वगैरह ऐसी पड़ी हुई थी। और ये बेड मैं सोच रही थी क्लीन करूँ, उससे पहले मुझे इसमें से कुछ निकालना है, बेड में ही रखा हुआ था, पहले मुझे याद था कि बेड में ही रखा हुआ है, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने बेड से निकाल के उसे कहीं और रख दिया है और मुझे ये चीज़ याद ही नहीं थी। तो पहले मैंने बेड में ही देखा, मुझे लगा कि शायद वो बेड में है, फिर मुझे याद आया कि अरे बेड में नहीं है, तो मैं अपने लिए ढूंढ रही थी मेरी विंटर वाली चप्पल जो कि ये है, मुझे याद था कि मैंने बेड में रखा हुआ था, लेकिन अभी दिवाली के टाइम पे मैंने क्लीनिंग की थी ना तो वो मैंने निकाल करके इसमें रख दिया था, इसमें मैं शूज़ वगैरह रखती हूँ अपने और अपनी चप्पल वगैरह रखती हूँ फैंसी वाली। तो ये मेरी अलमेरा है, इसके नीचे रैक बना हुआ है, इसमें रखा हुआ था, तो फाइनली मुझे मिल गई हैं। चलिए तो बस यहाँ पे आपको वही दिखा रही हूँ, इस व्लॉग को एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं नए व्लॉग में नए रूटीन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।